जीवटता और साहस का दूसरा नाम है वैजयंती। हम जब घर से निकलते हैं, सबसे पहले अपने चेहरे को सजाते संवारते हैं, खुद को लोगों के सामने सुंदर दिखाने के सारे जतन हम करते हैं। पर आपने सोचा है कि जो चेहरा हमें हमारी पहचान देता है, वही चेहरा हमारे जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण बन जाए। कई बार जीवन में ऐसे कुछ दर्दनाक हादसे हो जाते हैं जो हमारे जीवन की दिशा को दुर्दशा में बदल देते हैं। ऐसे ही एक दुखद हादसे का शिकार हुई थी वैजयंती। लगभग 5 साल पहले वैजयंती अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। स्कूल जल्दी पहुंचना था। उसी जल्दबाजी में खाना पकाते समय एक अनहोनी हुई और वैजयंती चूल्हे की आग की चपेट में आ गई और बुरी तरह आग में झुलस गई। इस हादसे से एक आम जीवन जीने वाली किशोरी का सारा जीवन एक त्रासदी में परिवर्तित हो गया। वैजयंती का पूरा चेहरा और गले का हिस्सा बुरी तरह जल गया। वैजयंती का मुंह, नाक, आंखें पूरी तरह जल गईं। स्थिति इतनी बेवत्स हो गई कि वैजयंती को खाना खाना भी एक संघर्ष सा बन गया। मुंह तो जल ही चुका था, सिर्फ गले के पास एक हिस्सा था जिससे वैजयंती सांस लेती, उसी से थोड़ा कुछ तरल पदार्थ खा पी लेती। सागर नगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बंडा क्षेत्र के पाटन गांव की रहने वाली वैजयंती अपने परिवार में सबसे बड़ी है और उसके छोटे 3 भाई बहन भी हैं। वैजयंती के पिता कल्लू मजदूरी करके अपने इस परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वैजयंती को इस हालत में देखकर उनके पिता ने कोशिश की कि वैजयंती का उचित इलाज हो जाए और वैजयंती इस तकलीफ भरे जीवन से छूटकर सामान्य लड़कियों की तरह भी जी सके। वैजयंती के पिता ने उनके इलाज हेतु अपने स्तर पर कई जतन किए, जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में वैजयंती को इलाज हेतु लेकर आए। परंतु वैजयंती के हालात व उसके विकृत चेहरे की जटिलता को देखकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और वैजयंती के पिता को कहा कि उनका इलाज महानगरों के निजी अस्पताल में ही संभव हो सकता है और अगर इस तरह का इलाज मिल भी जाए तो उसमें लगभग 10 से 12 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। कल्लू रावत तो पेशे से मजदूर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है, तो वो हार मानकर हताश होकर वैजयंती को लेकर वापस अपने गांव आ गए। वैजयंती ने यही सोचकर अपना जीवन फिर से जीने लगी कि अब उन्हें इसी तकलीफ के साथ जीना है। करीब 5 साल बाद एक दिन कल्लू रावत को किसी परिचित ने वैजयंती के इलाज हेतु डॉक्टर राय हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। कल्लू को पता था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वैजयंती का इलाज किसी निजी अस्पताल में करा सकें। फिर भी उन्होंने सोचा कि एक बार एक उम्मीद के साथ राय हॉस्पिटल में वैजयंती को दिखा आते हैं। जब कल्लू रावत वैजयंती को लेकर राय हॉस्पिटल पहुंचे, तब डॉक्टर संतोष राय ने वैजयंती को इस दशा में देखा तो बड़ा दुख हुआ। कितनी तकलीफ बावजूद ये बच्ची कैसे अपना जीवन जी रही होगी। तब डॉक्टर राय ने राय हॉस्पिटल में ही सेवा दे रहे जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मनीष राय को वैजयंती के केस की पूरी जानकारी दी व उनसे वैजयंती के ऑपरेशन करने की बात की और वैजयंती के सफल व उचित इलाज हेतु एक रूपरेखा तैयार की। सबसे अहम बात आपको बता दें, वैजयंती की अवस्था व वैजयंती के पिता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर संतोष राय ने मानवता की मिसाल कायम करते हुए वैजयंती के इलाज व ऑपरेशन, भर्ती खर्च व अन्य दवाइयों जांचों को पूर्णतः निःशुल्क कर दिया। अब मुख्य कार्य था ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार करना। डॉक्टर मनीष राय व संतोष राय ने वैजयंती के सभी मेडिकल जांचों का अध्ययन कर यह तय किया कि वैजयंती के चेहरे की विकृति की जटिलता की वजह से उसका ऑपरेशन 2 से 3 चरणों में करना होगा। पहला चरण था वैजयंती के चेहरे की सर्जरी कर दांतों व मुंह की जगह फिर से बनाना, क्योंकि अभी वैजयंती मुंह और नाक से सांस ना लेकर सिर्फ एक गले में जो छेद है उससे सांस लेती है। दुर्घटना के शिकार होने के बाद से ही उसका नाक, मुंह का हिस्सा खराब हो चुका था। इतनी जटिलताओं के बावजूद डॉक्टर संतोष राय व डॉक्टर मनीष राय ने वैजयंती के ऑपरेशन के पहले चरण को सफल तरीके से पूरा किया। इस सर्जरी के बाद वैजयंती के मुंह व दांत, जो कि पहले जली हुई चमड़ी के नीचे धस गए थे, वो भी नजर आने लगे हैं। आज जो सफल ऑपरेशन वैजयंती का हुआ है, इस ऑपरेशन की सफलता का अंदाजा सागर शहर में लगाया जा सकना अभी तक नामुमकिन था। परंतु आज इस तरह की जटिल सफल सर्जरी का सागर के हॉस्पिटल में होना सागर नगर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बन के उभरा है। महानगरीय स्वास्थ्य सेवाओं की तर्ज पर सागर में इस तरह की सर्जरी का यह पहला केस था जिसे डॉक्टर संतोष राय व उनकी टीम ने बाखूबी पूरा किया व एक किशोरी के बदहाल जीवन को संवारने का जो प्रयास किया है, उसके लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद। अब वैजयंती, जो पिछले 5 सालों से तरल पदार्थ लेकर अपना जीवन जी रही थी,
वो ऑपरेशन के बाद खाना भी खा सकेगी, परंतु इन 5 सालों में बैजंती ने जो संघर्षपूर्ण जीवन जिया है वो उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में हुई कोई दुर्घटना या किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता के कारण जिंदगी से हार मान लेते हैं। बैजंती के इलाज व उनके साथ 5 साल पहले हुई घटना की जानकारी जब जागरूक मीडिया के माध्यमों के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी तो उन्होंने भी मानवता के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दरियादिली दिखाई और तुरंत ही सागर कलेक्टर दीपक सिंह को आदेशित किया कि बैजंती के मामले को संज्ञान में ले और बैजंती के ऑपरेशन व पूरे इलाज में आ रही खर्च की राशि का एस्टिमेट तैयार करें। वह मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि बैजंती के इलाज में खर्च होने वाली राशि का यथासंभव भुगतान मध्य प्रदेश शासन करेगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है डॉक्टर्स का और सागर कलेक्टर महोदय का। ये बैजंती करके एक बालिका है जो बंदा की है, इनके बारे में समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी मिली। दैनिक भास्कर ने इनका एक स्टोरी दिया था, इनका एक बर्न केस हुआ था लगभग 5 वर्ष पूर्व और उसके बाद से इनकी काफ़ी क्रिटिकल स्थिति थी, इलाज नहीं हो पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के मैसेज ये मिला था कि इनके इलाज की व्यवस्था करी जाए और यहाँ पर राय हॉस्पिटल में इनको भर्ती किया गया है। इनका एक ऑपरेशन हो चुका है और इनका जो भी आगे का इलाज है वो राय हॉस्पिटल और शासन के द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा और उनके परिवार को और जो भी सहायता शासन की ओर से मिल सकती है उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। सर, सर्जरी के बाद कितना इम्प्रूवमेंट है? अब अभी मैंने बच्ची से जो बात की है तो पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, उनके परिवारजनों से भी बात हुई है, इम्प्रूवमेंट है, लेकिन क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल है और काफ़ी पुराना उसको जलने के पूरे घाव हैं, ठीक होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहेगी कि उनका पूरा इलाज हो। सर, बुंदेली कल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत ही क्रिटिकल हम केस कह सकते हैं जो आपके हाथों में आया और जिसको आपने बाखूबी से अंजाम दिया है, तो जानना चाहेंगे जो बैजंती है किस तरीके का केस आया था और क्या क्या स्टेजेस में उसका उपचार होगा। एक लड़की, उसका नाम बैजंती, 6 वर्ष पहले जली थी और वो जब मुझे दिखाने आई तो उसका पूरा मुंह, नाक, गर्दन सब चिपके हुए थे जलने के कारण, बहुत मैंने ये सब विकृतियाँ उत्पन्न हो गई थी और वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जैसे खाना, सांस लेना और लोगों से बात करना, सोशल इंटरेक्शन करना, ये सब नहीं कर पा रही थी वो और उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो था। इवन घर में बंद रहती थी, यहाँ वहाँ जाती नहीं थी, लोगों से मिलती नहीं थी, ये सब दिक्कतें उसको शारीरिक एवं मानसिक ये सब दिक्कतें उसको थी। सर, ये जो पूरी सर्जरी है ये कितने भागों में होगी, हम कह सकते हैं कितने चरणों में होगी? सबसे पहले कोई भी बर्न कॉन्ट्रेक्चर का पेशेंट रहता है तो उसको हम जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसकी तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको फंक्शनल करेक्शन कहते हैं। सबसे पहले उसकी जो खाने पीने में असमर्थ है, सांस लेने में असमर्थ है, गर्दन यहाँ वहाँ हिलाने में और ऊपर देखने में जो असमर्थ है उसके लिए सर्जरी की जाएगी। पहली स्टेज जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेज है पहली स्टेज। फिर उसके बाद करीब 2 से 3 माह बाद अगली स्टेज जो कि जिसमें कि कॉस्मेटिक करेक्शन जैसे नाक को ठीक बनाना, मुंह को और ज़्यादा सुंदर बनाना ताकि वो सोशल जो फंक्शन है उन सबको अटेंड कर पाए, लोगों से इंटरेक्शन कर पाए ताकि उसको बोलने में भी आसानी हो, अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ पाए। लगभग सर, इस पूरी जो प्रक्रिया है लगभग कितना समय लगेगा दोबारा से, कब बैजंती कितने महीनों बाद हम कह सकते हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगी? देखिए, नॉर्मल लाइफ तो ये फंक्शनल करेक्शन है, इसके बाद वो अपनी मैंने ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ सकती है, जैसे खाना पीना है नॉर्मल, लोगों से बातचीत करना है, इंटरेक्शन करना है, बाकी पूरी तरह नॉर्मल होने में उसको टाइम लगेगा। इसमें बहुत सारी कई स्टेजेस होती हैं, 6 से 7 स्टेजेस लग सकती हैं, तो इसमें करीब मेरे हिसाब से करीब 1.5 से 2 वर्ष का टाइम तो लगेगा इसमें। सर, बैजंती के केस में हमने देखा गया कि उसके आत्मविश्वास में काफ़ी कमी या ऐसा कुछ, पहले जब हमने 2 दिन पहले उससे चर्चा की थी, तो अब ये किस तरीके से उसका आत्मविश्वास वापस आएगा और क्या कैसे, आप लोगों ने तो शुरुआत से उससे बात की है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बेसिकली अभी बैजंती हमारे पास आई थी तो
जैसे ही उसको अपन उससे बात करने का प्रयास करें या फिर उसके मुंह से कपड़ा हटाने का बोलें तो तुरंत रोने लगती थी। समझ सकते हैं उसका कॉन्फिडेंस कितना लो था, आत्मविश्वास बिल्कुल बिल्कुल गिर चुका था। अब जब ये सर्जरी हो चुकी है तो इसके बाद जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ेगी। वो अपने धीरे धीरे अपने जो रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जो अपने फ्रेंड हैं, उन लोगों से मिलके उसका जो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज होगा। घर की चार दीवारी में जो बंद रहती थी वो धीरे धीरे उससे बाहर निकलेगी और ऐसी आशा है कि धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। नॉर्मल पढ़ाई लिखाई उसने अभी एक इच्छा जताई है अपनी कि वापस से पढ़ना चाहती है, तो क्या इन सारी सर्जरी के बाद वो वापस से अपनी पढ़ाई चालू कर पाएगी? बिल्कुल, ये जब सर्जरी की ये वाली स्टेज जो मुख्य स्टेज है फंक्शनल करेक्शन, ये जब करेक्ट हो जाएगी और अभी जब उसका जो हैंड कॉन्ट्रेक्चर है बेसिकली उसके हाथ में भी बर्न है जिससे उसका हाथ भी चिपका हुआ है, जब नेक्स्ट स्टेज में उसको रिलीज कर देंगे तब वो स्कूल जाके और नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके साथ अपना पढ़ाई का जो पढ़ाई आगे बढ़ा। बैजंती के साहस और संघर्ष के लिए हम दिल से सलाम करते हैं और आखिरी में आप सबसे यही कहेंगे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।